और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देश में ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था के सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके लिए इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य होंगे, जिसमें देश के 10 जाने माने डॉक्टर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। कोर्ट ने कहा है कि यह टास्क फोर्स नीति आयोग, डीजी हेल्थ सर्विसेज, एम्स निदेशक, उद्योग सचिव, सड़क परिवहन सचिव जैसे अधिकारियों से सहयोग ले सकती है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। कोरोना टास्क फोर्स बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें देश के 10-12 सदस्य होंगे, जिसमें 10 देश के जाने माने डॉक्टर होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। कोर्ट ने कहा है कि टास्क फोर्स नीति आयोग, डीजी हेल्थ सर्विसेज, एम्स निदेशक, उद्योग सचिव, सड़क परिवहन सचिव जैसे अधिकारियों से सहयोग ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट लगातार ऑक्सीजन की स्थिति को लेकर मॉनिटरिंग करता रहा है और कई बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से कड़े सवाल भी पूछे हैं कि अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही है, जिसमें 12 सदस्य होंगे, 12 में से 10 देश के बड़े जाने माने डॉक्टर्स होंगे। इसमें स्वास्थ्य सचिव को भी शामिल किया गया है इस टास्क फोर्स में। और कोरोना से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। लगातार सुप्रीम कोर्ट सरकारों को चेतावनी दे रहा था कि स्थितियों को सुधारिए, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। कोरोना टास्क फोर्स में 10 बड़े डॉक्टर समेत कुल 12 सदस्य होंगे। और कोरोना से निपटने के लिए अब तक सुप्रीम कोर्ट का सबसे अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के खिलाफ टास्क फोर्स का गठन किया है। ऑक्सीजन को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई थी कि तय वक्त में जरूरत पूरी क्यों नहीं की जा रही है या क्यों नहीं हो पा रही है। और सरकार को यह भी कहा था कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोज जरूरत है और वो जरूरत पूरी होनी चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संभालने के लिए टास्क फोर्स के गठन का फैसला किया है। इसमें 12 सदस्य होंगे, जिसमें 10 देश के जाने माने डॉक्टर्स हैं और एक स्वास्थ्य सचिव को भी इसमें शामिल किया गया है। निपुण सहगल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निपुण, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही संकेत दिया था कि इस तरह की एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो किल्लत है या उसके वितरण को लेकर जो समस्या केंद्र और राज्यों के बीच आ रही है, उस पे सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि एक वैज्ञानिक तरीके से इस बात को देखा जाना चाहिए कि कहां पर कितनी जरूरत है और वितरण की व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है, केंद्रीय स्तर पर भी कि राज्यों को कितनी जरूरत है, कितना दिया जाए, और किसी राज्य में भी अगर उसके वितरण में दिक्कत है, जो स्थानीय स्तर पर जो वितरण है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने को लेकर। तो ऑक्सीजन के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही थी। ये टास्क फोर्स बनाया जा चुका है। इसके अलावा कोर्ट ने ये कहा है कि ये टास्क फोर्स आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के बारे में भी सुझाव देगा कि कैसे इसे उपलब्ध रखा जाए, और साथ ही साथ भविष्य की जो तैयारियां हैं साइंटिफिक तरीके सुझाएगा ये टास्क फोर्स। तो 12 इसमें कुल सदस्य रखे गए हैं, इनमें से 10 बड़े डॉक्टर हैं। जैसे ये लिस्ट मेरे सामने है, मैं इनमें से कुछ नाम पढ़कर सुनाता हूँ दर्शकों को, कुछ नाम वो लगातार सुन रहे हैं, जैसे डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा, डीएस राणा, जो चेयरपर्सन है दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल के, उसी तरह से डॉक्टर नरेश त्रेहान, जो मेदांता हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन है। इस तरह से 10 डॉक्टर हैं इस जो टास्क फोर्स है, इसके संयोजक होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी या उनकी तरफ से मनोनीत अधिकारी, यानी देश के जो सबसे बड़े आईएएस अधिकारी हैं उनको संयोजक बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव भी इसमें होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम अधिकारियों की एक लिस्ट बताई है जिनसे सहयोग ले सकता है, यानी फ्री होकर ये टास्क फोर्स काम करेगा और ये सुझाव देगा कि कैसे भविष्य के लिए भी कोविड से निपटने की वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब इससे पहले सुनवाई हो रही थी तो बार बार बेंच का ये कहना था कि तीसरी लहर भी आने की आशंका है और सरकार की क्या तैयारियां हैं इसे लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य की तैयारियों के मद्देनजर भी ये विशेषज्ञ टास्क फोर्स बनाया है। निपुण, लगातार इस पूरे मामले को बहुत करीब से आप देखते रहे हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जो टिप्पणी की है, जो जो तथ्य रखे गए हैं सभी पक्षों की तरफ से, मैं ये जानना चाहूंगा आप कैसे इसको देख रहे हैं। जो टास्क फोर्स बनाया जा रहा है, इसके बाद क्या स्थिति में वाकई सुधार होगा या अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट को और दखल रखना होगा, नजर कड़ी बनाकर रखनी होगी? देखिए, नजर तो सुप्रीम कोर्ट को बनाकर रखनी होगी, और तभी इस मैटर को डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है, यानी इसको बंद नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने खुला रखा है। ये जरूर है कि एक जो बर्डन है, क्योंकि जज बार बार ये कहते हैं कि हम विशेषज्ञ नहीं है किसी विषय के, कि हम ही तय कर दें सब कुछ, तो जो देश के चुने हुए विशेषज्ञ हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने चुनकर
इस टीम में शामिल किया है तो निश्चित रूप से उसके जो सुझाव होंगे, जो सिफारिशें होंगी वो बहुत काम आएंगी। ना सिर्फ इस समय जो ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची है, जो दिक्कत है उसके उत्पादन से लेकर उसको निचले स्तर तक पहुंचाने में, उस स्थिति में सुधार आएगी क्योंकि ये सब जाने माने एक्सपर्ट हैं और रोज डील कर रहे हैं ये ऑक्सीजन की कमी या दवाओं की जो कमी है इससे डील कर रहे हैं ये विशेषज्ञ। ऐसा नहीं है कि इनको कोई आइडिया नहीं है, तो इनके सुझाव निश्चित रूप से काम आएंगे और भविष्य की तैयारियां बेहतर हो सकेंगी, ये उम्मीद जरूर जताई जा सकती है क्योंकि ये ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन्हें पूरा अंदाजा है कि जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है। रिपोर्ट, एक बात बताइए, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाने का फैसला लिया उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट बार बार चेता रहा था सरकारों को कि आप कड़ा कदम उठाएं, नहीं तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तो उसी कड़ी में अब ये कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया, सरकार की तरफ से इस पर कुछ कहा गया क्या? इसे इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि सरकार कुछ नहीं कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बना लिया है, बल्कि सरकार ने भी ये मांग की थी, ये सुझाव दिया था। हालांकि दिल्ली के संदर्भ में सॉलिसिटर जनरल ज्यादा ये मांग कर रहे थे कि आखिर मांग कितनी है, जो दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा मांग यहाँ पर आ रही है फिर भी लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, तो ये सब सवाल थे और ये सुझाव दिया गया था सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन करे जो ऑक्सीजन ऑडिट करे दिल्ली का, इसी संदर्भ में दूसरे राज्यों का भी ऑडिट होना चाहिए, ये मांग उठकर आई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ऑडिट से आगे जाते हुए एक टास्क फोर्स बना दिया है, इसे हम इस तरह से जरूर समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जो चिंता थी और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सरकार की शायद उस तरह की तैयारी नहीं है, इसे ऐसे भी देखा जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ठोस कदम अपनी तरफ से उठाया है। बहुत धन्यवाद आपका निपुण, इस पूरी जानकारी के लिए। निपुण सहगल हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें 10 बड़े डॉक्टर्स शामिल हैं, इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव होंगे और कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी इसकी अध्यक्षता करेंगे या उनके द्वारा मनोनीत किया गया अधिकारी भी इस टास्क फोर्स का सदस्य होगा। ABP News, आपको रखे आगे।